खबर शामिल करते हैं चिनियाउट से, जहां मोहम्मदी शरीफ यूटिलिटी स्टोर से स्मगल किया जाने वाला भारी मकदार में सामान घी और चीनी पकड़ी गई। 1,26,700 रुपए मालियत का सामान जामियाबाद चौक की पुलिस ने कब्जा में लेकर चिंची लोडर, रिक्शा और ड्राइवर अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मदी शरीफ यूटिलिटी स्टोर अमला की मिली भगत मुलाजम मोहम्मद नवाज ने बवक्त शाम जब रोजादार रोजा इफ्तार करके घर नमाज मगरब अदा करने के लिए मस्जिद में चले गए तो यूटिलिटी स्टोर मुलाजम निवाज उर्फ नेहरू ने यूटिलिटी स्टोर से भारी मकदार में घी और चीनी एक चिंची रिक्शा लोड करवा कर जनब फैसलाबाद रवाना कर दिया। मोहम्मदी प्रेस क्लब भवाना के साफियों की निशानदेही पर तहसीलदार मोहम्मद अशरफ ने जामियाबाद अड्डा पर रिक्शा को रोक कर स्मगल किए जाने वाला 420 किलोग्राम घी और 560 किलोग्राम चीनी पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया। रिक्शा ड्राइवर अब्दुल सलाम ने बताया कि वो चक नंबर 30 फैसलाबाद का रिहायशी है और रिक्शा चलाता है। हक नवाज नामी शख्स ने मोहम्मदी शरीफ यूटिलिटी स्टोर से घी और चीनी लेने भेजा है। रिक्शा ड्राइवर ने ये भी इंकशाफ किया कि वो 3 मरतबा पहले भी भारी मकदार में सामान ले जा चुका है, जो फी फेरा 1,000 रुपए वसूल करता है। तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अशरफ रजोका ने कार्रवाई करते हुए घी और चीनी से भरा रिक्शा और ड्राइवर जामियाबाद चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। तहसीलदार और चौकी पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। रिपोर्ट मलिक सदीक हैदर मुस्तफाई, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, चिनियाउट।